आज हम करने जा रहे हैं 1 मीटर पिज़्ज़ा का रिव्यू, जो कि कितना बड़ा पिज़्ज़ा है आप लोग देख सकते हैं। फुली लोडेड लग रहा है, अच्छी खासी सॉस लगी हुई है। भाई हम लोगों ने इसके पैसे दिए हुए हैं और हम आपको देंगे अथेंटिक रिव्यू कि ये वाकई में पिज़्ज़ा मज़ेदार है या नहीं है। तो ये जनाब पिज़्ज़ा मिलेगा आपको पिज़्ज़ा लॉन्च से, जो कि हम जिस ब्रांच पे गए थे वो थे इकबाल टाउन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आयशा बादशाह जैन ब्लॉग। तो आज हम आए हैं पिज़्ज़ा लॉन्च में और ये जो 1 मीटर का पिज़्ज़ा आप देख रहे हैं ये इस टेबल में आने लगा है, यकीन हो रहा है। जब हम इनकी ब्रांच पे आए थे तो यहाँ पर 2 फैमिलीज़ खाना खा रही थी। एक फैमिली ने ये 1 मीटर पिज़्ज़ा मंगवाया था और एक ने लार्ज पिज़्ज़ा मंगवाया था, जो कि मैंने देखा लार्ज पिज़्ज़ा जो था वो 1 मीटर पिज़्ज़ा से ज़रा ज़्यादा लोडेड था और वो इस टाइम 1000 रुपये का है, जबकि ये वाला पिज़्ज़ा आपको 2500 में मिलेगा। ये भी दिखने में बहुत ज़्यादा लोडेड लग रहा है, लेकिन ये खा कर पता चलेगा कि एक्चुअली में ये लोडेड है या नहीं। तो बहरहाल हम लोगों ने जब इसको टेस्ट किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थिन सा पिज़्ज़ा है और टेस्ट वैसे इसका बहुत ज़बरदस्त है। फर्स्ट बाइट लेने लगा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये डोज की पतली लेकिन टेस्ट ज़बरदस्त है। पिज़्ज़े की मेन चीज़ जो थी वो ये मैटर करती थी कि इसका टेस्ट कैसा है। तो ये 2500 में एज़ अ टेस्ट और एज़ अ साइज़ वाकई बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ हमने इनसे एक्स्ट्रा टॉपिंग इसलिए मांगी, इनका ये जो सॉस है ना ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो आपको भी अगर लगे ना कि ये सॉस कम है तो डलवा सकते हैं आप। अच्छा, फिर हमने इनसे कोक ऑर्डर की। तो यहाँ पर मैं आपको सही बताऊँ, अगर आप फैमिली के साथ आते हो ना तो ये एक बहुत ज़्यादा तंग जगह है। 3 यहाँ पर इन्होंने सिटिंग्स रखी हुई हैं और तीनों शदीद तंग हैं। और इनकी बाकी ब्रांचेस को मैंने विज़िट किया इसलिए मुझे उसका पता नहीं, इसको हमने विज़िट किया। तो बुरा नहीं खाया गया है, ये देखें भाई इतना सारा बच गया, बुरा नहीं खाया जाएगा आपसे। 2-3 जगह से बदमजगी हुई है इस ब्रांच में, मुझे बाकी ब्रांच का अंदाज़ा नहीं है। पहले जो हमने नेक्स्ट कोला मंगवाई थी वो भी ठंडी नहीं थी, फिर यहाँ पर सिटिंग बहुत ज़्यादा तंग थी, फिर यहाँ पर कोई भी एसी का इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पर सेटअप इनका भी बहुत ज़्यादा छोटा है, आप फैमिली के साथ इंजॉय नहीं कर सकते। एक छोटी फैमिली आकर खा सकती है। छोटी सी जगह पर इस तरीके से 3 सिटिंग्स रखी हुई हैं, इधर ही ऑर्डर है, इधर ही किचन है। बाहर से भी आपको दिखा देती हूँ, इतनी सी शॉप में इन्होंने सारा कुछ मैनेज किया हुआ है। तो इकबाल टाउन में जब आप जलाल सन्स के पास आते हैं तो गली के अंदर ये लोकेटेड है। तो और अगर आप मज़ीद इनकी ब्रांचेस को विज़िट करना चाहते हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी इसी पे आपको वीडियो में दिखा देंगे, आपको जहाँ जाना है अकॉर्डिंग प्राइस। ये बुरा नहीं है, इंजॉय करें, अच्छा है। अगर आप लोग बड़ा पिज़्ज़ा नहीं खाना चाहते, लार्ज पिज़्ज़ा खा लें। वीडियो पसंद आती है इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएँ कि आपने खाया है या खाने जाएँगे। शुक्रिया।